देख सकते हो आप लोग, बहुत पुराना गेट है। चीजें हैं यहाँ पर। दो एंट्री में हम लोग एंट्री मार चुके हैं, और चलो आप लोग को दिखाते हैं नए नए जानवर। सो अभी आई एलिफेंटा गुफा है, यहाँ से एंट्री हम लोग। अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। चूँकि इसमें कितने सारे पब्लिक गए, जो कि ये माता जी का मूर्ति है, गोस्ट राइडर मोटरसाइकिल है भाई, एकदम मस्त, एकदम पूरे छुपने के लिए अच्छा चीज़ है। यहाँ पर चमगादड़ वगैरह बैठे हुए हैं, तो बहुत डर लग रहा है भाई यहाँ पर कुछ। ये देख सकते हैं दोस्तों कितना, यहाँ पर लेटर कितने ब्रांडेड वाले हैं, चाकू हैं, चलिए गन वाला बंद भाई, कितना बड़ा बंदूक है यार से। ये लाइटर है भाई, देखो जल रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग बढ़िया हैं, स्वस्थ और मस्त। दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे हैं गेट ऑफ इंडिया, जहाँ पे चेक इन होता है। अभी हम लोग अंदर घुस रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहो, आप लोग को वहाँ का पूरा शेयर कराएंगे हम लोग एलिफेंटा का। तो चलो चलते हैं भाई, यहाँ का एलिफेंटा 260 रुपया है भाई, अभी हम लोग लिए हैं 3 टिकट, और बहुत महंगा है। तो चलो आप लोग को शेयर कराएंगे दोस्तों, आप लोग के लिए कुछ भी नहीं है 260 रुपया। चलो चलते हैं भाई, हम लोग जा रहे हैं, बोर्ड पे बैठ गए हैं। तो हम लोग बहुत बैठ चुके हैं अभी बोर्ड पे, अभी हम लोग यहाँ से निकलने के लिए रेडी हैं, और यहाँ पे सब टिकट वगैरह हो गए, चेकिंग हो गए, बैठ गए हैं। चलो चलते हैं। हम लोग पहुंचने वाले हैं, अभी यहाँ पर देख सकते हैं पीछे का पूरा व्यू समुंदर के साथ दिख रहा है, और हम लोग अभी बस 2-4 मिनट और लगेगा पहुँचते हैं, फिर वहाँ का पूरा ओवरव्यू दिखाते हैं हम लोग को। वीडियो में बने रहो, वीडियो छोड़ के जाना ज़्यादा मज़ा नहीं पाओगे। चलो चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो कि सब चाय पानी का व्यवस्था है, फ्रूट वगैरह का। दोस्तों देख सकते हैं कितनी सारी बोर्ड लगी यहाँ। हम लोग उतरे हैं, अभी जा रही है, पहाड़ सामने दिख रहा है, इसके ऊपर जाएंगे। ट्रेन जो कि जा चुकी है, इसमें कितने सारे पब्लिक गए हुए हैं, और वो लोग आ जाएंगे 2-3 घंटे में, बात नहीं है ज़्यादा लंबा, गांव तो नहीं जाएगी, है थोड़ा ही जाएगी इधर समुंदर के पास उस पार, जो कि ये ट्रेन का पटरी है, इधर से अभी ट्रेन गई हुई है। हम लोग अभी टिकट काउंटर पर हैं, यहाँ पर टिकट भी लेना ज़रूरी है, और आप देख सकते हैं जो कि टिकट ले रहे हैं हम लोग, और टिकट लेके अंदर जाते हैं फिर। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों बंदर कितने यहाँ पर खतरनाक वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी दुकानें हैं, और यहाँ से हम लोग को चढ़ना होगा ऊपर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर वड़ा पाव का रेट कितना ज़्यादा है भाई लोग। अभी हम लोग रुके हैं, थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि चढ़ना भी ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ऊपर जाना है भाई। देख सकते हैं हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भूख ज़्यादा लग गया था, इसकी वजह से वड़ा पाव खिलाते हैं, फिर चढ़ते हैं भाई। देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी मूर्तियाँ हैं, जो कि कितने ज़बरदस्त हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये सब बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ हैं, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो भाई देख सकते हैं ये कौन सा पत्थर है, आप पहले बताओ, कमेंट में बताओ, आप लोग को पता है तो। ये सब डायमंड सा लगा हुआ है,
देख रहे हो कितने सारे पत्थर हैं, सब अलग अलग डिजाइन के। ये देख सकते हैं टाइगर, कितना खतरनाक वाला टाइगर। एलिफेंटा का बोर्ड है कि लिखा हुआ एलिफेंटा गुफा, देख सकते हैं यहाँ पर जो कि एलिफेंटा का मैप लगा हुआ है, आपको कौन सा कहाँ मिलेगा वो सब आप देख के जा सकते हैं। और अभी हम लोग एलिफेंटा पहुँच गए हैं, देख सकते हैं घूम रहे हैं थोड़ा इधर का, आपको मैं सीन दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं। और चलो जो भी है यहाँ का दिखाते हैं आप लोग को, एक्सप्लोर करते थे यहाँ से, कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं ज़बरदस्त सीन है, देख सकते हैं। तो कितने टिकट लेने पड़ते हैं आप लोग, हालत ख़राब हो जाएगा, एंट्री मारो तो भी टिकट, अंदर घुसने के बाद फिर टिकट आने की मैक्सिमम 4-5 टिकट हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर आओगे तो। देख रहे हो वहाँ पर टिकट ले रहे हैं भाई 40 रुपये का एक, जो कि एलिफेंटा गुफा है उसका 40 रुपये का एक टिकट आएगा, तो ले रहे हैं। चलो अंदर दिखाते हैं आप लोग भाई, एलिफेंटा गुफा है, यहाँ से एंट्री हम लोग मारेंगे अभी चल के। और इधर पूरे गार्डन वगैरह लगे पड़े हैं, देख सकते हैं सब लोग आ रहे हैं और हम भी अभी जाएंगे। और यहाँ पर एलिफेंटा गुफा के लिए एंट्री मार रहे हैं भाई, और चल रहे हैं आप लोग को दिखाते हैं क्या सीन है यहाँ का। देखते हैं जो कि गुफा के अंदर हम लोग घुसे पड़े हैं, और यहाँ पर कितना अच्छा सीन है यहाँ का देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे बहुत सारा अंधेरा है, देखिए सब कितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मूर्ति वगैरह आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ भाई, देख सकते हैं त्रिभुज भगवान का मूर्ति है, इधर सब मूर्ति मूर्ति ही बने पड़े हैं। और हम लोग आप लोगों को गुफा का पूरा सीन दिखाए हैं, अभी थोड़ा गुफा के बाहर भी चलते हैं और कुछ वहाँ का भी वीडियो दिखाते हैं आप लोगों को। और अभी देख सकते हैं अभी हम लोग गुफा के बाहर निकल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप मेन गुफा जो कि मेन मंदिर बोला जाता है यहाँ का, देख सकते हैं कितना पुराना है भाई बहुत ही। और यहाँ पर सब टाइगर वगैरह का मुंडी खलास हो गया, जो कि ये माता जी का मूर्ति है, बहुत ही पुराना है, बहुत पुराना मूर्ति है, आप लोग देख सकते हैं ये दोस्तों जो कि ये शंकर जी की मूर्ति है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। और अभी हम लोग घूम के आए हैं अंदर से, अभी दूसरी तरफ जाते हैं, दिखाते हैं आप लोग को वहाँ का व्यू क्या सिस्टम है क्या नहीं है, चलो बने रहो वीडियो में भाई लोग। हम लोग अंदर गुफा में एंट्री मारने जा रहे हैं अभी भाई, देखिए ये देख सकते हैं भाई गुफा ही गुफा है, इधर अंदर जाने का इधर से इधर स्टॉप है, कोई भी नहीं है, ये देखिए बहुत ही बड़े सीन है यहाँ के, पुराने ज़माने का गुफा है ये, कितना छोटा छोटा है देख सकते हैं, सब छोटा वाला गुफा है यहाँ पर ही। तो अभी हम लोग दिखा रहे हैं आप लोग को भाई, अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे साइड, आप लोग को वहाँ का व्यू दिखाते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहो। और चलो चलते हैं आप लोग को वहाँ, इधर समुंदर दिखाएं आप लोगों को, यहाँ देख सकते हो कितना बड़ा पहाड़ है भाई, इधर का मज़ा ही अलग है आने का, तो आप कभी भी आप लोग भी आओ यहाँ पर घूमने के लिए भाई, बहुत मज़ा आता है आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा गुफा है, समझो एक घर है, एक रूम की तरह है। आप देख सकते हैं अंदर जो कि खाली नीचे गुफा है, ऊपर से सब पहाड़ है, देख सकते हो कितने बड़े पहाड़ है भाई। चलो अंदर दिखाते हैं आप लोगों को मैं, हम पूरे सीन ये देख सकते हो अंदर कितने बड़े गड्ढे पड़े हैं, ये देख सकते हैं भाई कितनी बड़ी बड़ी गुफाएं, माय गॉड, एकदम पूरे छुपने के लिए अच्छा चीज़ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं कितने अंदर बहुत ही बड़ा गुफा है भाई, पूरा गुफा देखकर बाहर निकल रहे हैं। चलते हैं थोड़ा और सीन दिखाते हैं आप लोगों को, दो एंट्री में हम लोग एंट्री मार चुके हैं, और चलो आप लोग को दिखाते हैं नए नए जानवर जो अभी यहाँ पर अपडेट हुए हैं, चलो ऊपर चलते हैं भाई, जो कि हमारे भाई आराम आराम से जा रहे हैं। और यहाँ पर लगता है कुछ खतरनाक जगह है भाई, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट बार आए हैं था, और सब जंगल उंगल लगे पड़े हैं पूरे, देख सकते हैं आप लोग। और चलते हैं भाई, क्या हिसाब है इधर का, क्या सीन है देख सकते हैं आप लोग। और एक पुराना खंडर घर यहाँ पर पड़ा हुआ है, कौन सा जगह है इसमें, मेरे को तो लग रहा है कुछ भाई है यहाँ पर, देख सकते हो आप लोग बहुत पुराना गेट है और बहुत पुराना पेड़ है, यहाँ पर चमगादड़ वगैरह बैठे हुए हैं, और भाई बहुत ही खतरनाक जगह लग रहा है मेरे को तो, देख रहे हो तो देख सकते भाई, बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है मेरे को तो, किसी चीज़ का ये तो कवर लग रहा है भाई, देख लो सब तरफ से बंद है, फिर भी हम लोग आए हुए हैं, दिखा रहे हैं आपको व्यू, तो बहुत डर लग रहा है भाई यहाँ पर, कुछ हला ना जाए तो हम बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। और ये देख सकते हैं भाई यहाँ पर सीढ़ी लगा है जो कि छत पर जाना है, और चलते हैं दिखाते हैं भाई यहाँ का सीन,
ये देख सकते हैं भाई, ये हमारे भाई कुछ खोल रहे हैं। पानी है क्या भाई? हाँ दिखाओ भाई, दिखाओ थोड़ा। ये देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा वाटर टैंक है। अरे भाई बहुत ही तगड़ा सीन है भाई, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। हम लोग आए हैं पूरे, अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं वापस उधर जिधर हम लोग आए थे। और देखा आप लोगों ने क्या था यहाँ पर, नीचे उतर रहे हैं, देख रहे हैं और चलते हैं फटाफट। हो गया है देख दाख के, हम लोग चलते हैं घर पे और फिर दिखाते हैं आप लोग का पूरा सीन। और सब माँ मिलाते हैं, टाइट है पूरे। कितना क्यूट सा बच्चा है जो कि हंस रहा है भाई साहब, क्या गजब का चीज़ें हैं यहाँ पर। गुलाब वगैरह हैं देख सकते हैं आप लोग। देखते हैं यहाँ पर लाइटर कितने ब्रांडेड वाले हैं, ये देख सकते हैं। गन वाले हैं, चाकू वाले हैं, सब लाइटर ही हैं सब। ये 500, 400, 300 ऐसा आएंगे, लेकिन ये आप इसको रिपीट कर सकते हो, अगर इसका फ्यूल ख़त्म हो गया तो भर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं, ये देखो थोर का हथौड़ा भी है यहाँ पर, ये अपना चाबी में लगाने की चाकू भी है एकदम अच्छा वाला। देखते हैं सब गन वाली बंदूकें हैं भाई, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक से एक चाकू है, एक्चुअली गन वाला बंदूक। देख रहे हो कितना महंगा है भाई, भाई कितना बड़ा बंदूक है यार, बजरा वाला देख सकते। ये लाइटर है भाई, देखो जल रहा है, बहुत ही अच्छा वाला गन है भाई। वाले बता दो सही। दो चलो, ये रोबोट मोटरसाइकिल एकदम बड़ी वाली है भाई, देख सकते हो भाई साहब कितना बड़ा बंदूक। फोटो निकालना लाभ नहीं, ऊपर बंदूकें वगैरह सब मिलती हैं, देख रहे हैं आप। ये रियल शंख है जिसको बजाना है, बता है बहुत बजा सकते हैं इसको, बजाने वाला शंख है भाई लोग। देखते हैं जो कि लकड़ी का ये डिश है, प्लेट है लकड़ी वाला, और ये भी अच्छा जानते हैं किसका है, लकड़ी का है। अरे लकड़ी कौन सा लकड़ी, अब कौन सा लकड़ी है नहीं मालूम भाई, जिसको मालूम है कमेंट करके बता सकते हैं भाई साहब। ये देखिए मोटरसाइकिल जो कि घोस्ट राइडर मोटरसाइकिल है भाई, एकदम मस्त देख सकते हैं, घोस्ट राइडर वो बुलेट नए। लोग हेलीफेंटा को घूम चुके हैं यहाँ पर, मस्त देसी हवा खा रहे भाई, और बहुत ही मेहनत लगा चढ़ते चढ़ते उतरते उतरते आए हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताओ भाई, कमेंट करो, अच्छा लगा तो भी कमेंट करो, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करो, लेकिन कमेंट करो भाई। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो भैया, क्योंकि नहीं करोगे तो हमको मज़ा नहीं आएगा वीडियो बनाने में। तो आप लोग के लिए कैसे वीडियो लेके आऊँगा, घंटा का ओवरव्यू। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों।